हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। याद करें पिछले क्लास में हम लोग वीवीटी की बात कर रहे थे। इस वीवीटी में हम कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले में देखे कि अब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो ये कॉम्प्लेक्स क्या हो सकता है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, यह कॉम्प्लेक्स आइदर स्क्वायर प्लेनर हो सकता है, आइदर स्क्वायर प्लेनर हो सकता है या क्या हो सकता है, टेट्राहेड्रल हो सकता है। तो अब कौन सा हमारा स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स था और कौन सा टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स था, ये हम लोग आसानी से डिसाइड कर लेते हैं। सिर्फ हम क्या देखें कि यहाँ तीन लिगेंड जो होगा, अमोनिया, साइनाइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा। जहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले की बात है, इसमें प्रायः आपको निकेल ही मिलेगा, कॉपर मिलेगा और जिंक मिलेगा। निकेल वाले में आप देखे तीन एग्जांपल, एक क्लोरीन को लेके चले थे, दूसरे में हम साइनाइड वाले को लेके चले थे, दोनों में +2 ही ऑक्सीडेशन स्टेट था। लेकिन एक हमारा क्या था, तो sp3 टेट्राहेड्रल था, पैरामैग्नेटिक था, जबकि cn वाला हमारा क्या हो गया था, स्क्वायर प्लेनर, और वो हमारा स्क्वायर प्लेनर DSP2 हाइब्रिडाइजेशन और डायमैग्नेटिक हो गया था। क्यों? क्योंकि CN माइनस स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड था, वो उसका फोर्सेबल पेयरिंग करा दिया था। इसके बाद हम देखे थे दूसरा एक क्वेश्चन, NiCl4 2 माइनस और दूसरा NiCO4, इन दोनों की बात किए तो यह भी कॉम्प्लेक्स टेट्राहेड्रल है और यह भी कॉम्प्लेक्स टेट्राहेड्रल, यह पैरामैग्नेटिक है 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ, जबकि यह क्या है, डायमैग्नेटिक है। इसका रीजन आप जान रहे थे कि यहाँ क्या है, निकेल 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और कार्बन मोनोऑक्साइड तो सबसे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो इसके 4s के दोनों इलेक्ट्रॉन को क्या किया, 3d में लाके पेयर्ड कर दिया, इसका कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बचा और ये कॉम्प्लेक्स क्या हो गया, डायमैग्नेटिक हो गया। इसके बाद जो आपको हम 2-3 बोले थे निकालने के लिए, उसमें आप बहुत ही आराम से निकाल लिए होंगे, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं हुई होगी। आइए अब बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो यहाँ भी दो ढंग की पॉसिबिलिटी है, ये या तो क्या हो सकता है, d2sp3 हो सकता है या sp3d2 हो सकता है। आगे चल के ये बातें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे कि किस केस में क्या होगा, किस केस में क्या होगा, cft तक जाते जाते ये बातें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। जैसे कि अब हम देखते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले में देखते हैं और पहला एग्जांपल लेते हैं जहां डी में 3 इलेक्ट्रॉन बचेगा। जब डी में 3 इलेक्ट्रॉन है तो 2 डी ऑर्बिटल हमेशा खाली है, तो अब इस केस में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड रहे या वीक फील्ड लिगेंड रहे, कुछ भी रहे, ऑलवेज क्या बनेगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स ही बनेगा। डी में अगर 8, 9, 10 इलेक्ट्रॉन है और वहां 6 कोऑर्डिनेशन नंबर की बात है, स्ट्रॉन्ग फील्ड रहे या वीक फील्ड रहे, ऑलवेज क्या बनेगा, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स ही बनेगा। हाँ, परेशानी तो होती है d4, d5, d6 में, क्योंकि वहां 2 ढंग की पॉसिबिलिटियां होती है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है तो वो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में चला जाएगा और वीक फील्ड लिगेंड है वो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में जाएगा। ये सारी बातें बिल्कुल पढ़ते पढ़ते जैसे हम लोग सीएफटी देखेंगे सारी बात क्लियर हो जाएगी और आपको डी का कॉन्फ़िगरेशन एकदम वहाँ T2g और Eg के टर्म में बताएंगे, क्योंकि अभी तो आप जान रहे हैं कि डी सबसे में 5 ऑर्बिटल है, 5 की एनर्जी इक्वल है। ठीक, वहां हम बात करते हैं, ये फर्स्ट में देखते हैं क्रोमियम NH3 होल 6 3 प्लस, इस कॉम्प्लेक्स का देखना चाह रहे हैं, तो जैसा वहां कर रहे थे उसी ढंग से यहां भी करेंगे। यहां आप क्या देख रहे हैं कि क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, 3 है, तो यहां हम क्या लिखेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन CrNH3 होल 6 3 प्लस इज क्या है, +3। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन दिस एज +3, तो हमें दर्शाना है किसका, एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्रोमियम +3 का, एटॉमिक ऑर्बिटल्स
ऑफ क्रोमियम 3 आयन। क्रोमियम के लास्ट में याद करें क्या जान रहे हैं, यहाँ 3D क्या होता है 5 होता है, 4S में क्या होता था 1 होता है, और ये हमारा 4E है। 3D 4S 4P, पी सबसेल में 3 ऑर्बिटल होगा तो 3 ऑर्बिटल खा लिए, एस सबसेल में तो 1 ही ऑर्बिटल होता है, और डी सबसेल में 5 ऑर्बिटल, 1 2 3 4, 5 तो हो गया। अगर हम बात कर रहे होते क्रोमियम की, अगर हम क्रोमियम की सिर्फ बात करते तो क्या होता 3D 5 4S 1, लेकिन आप बात कर रहे हैं क्रोमियम प्लस 3 की, तो 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो जाएगा, एक यहां से और एक यहां से। तो देखिए आपको 6 बॉन्ड बनाना है, 6 वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए, और आप अगर देखें तो आपको 6 वैकेंट ऑर्बिटल बिल्कुल दिखाई दे रहा है, 6 वैकेंट ऑर्बिटल आपको बिल्कुल दिखाई दे रहा है, यहाँ 2 है, 1 ये हो गया, 2 1 3 और 3 6, इस 6 वैकेंट ऑर्बिटल आपको बिल्कुल दिखाई दे रहा है। इट मींस आप क्या करेंगे, तो हाइब्रिडाइजेशन में जाएंगे, ये ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स करते हुए, इस ये ऑर्बिटल आपस में मिक्स करते हुए ए सेट ऑफ आइडेंटिकल ऑर्बिटल्स इन इक्वल नंबर बनाएंगे, इसे ही हम क्या बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। तो आइए जब हम देखते हैं तो 3D में तो हम देख रहे हैं कि जितना है उतना भी दर्शाइए, 1 2 3 4, 1 2 3, इन तीन में इलेक्ट्रॉन है, ये तो वैकेंट ही है, ये आपका 4s है, और ये 3 आपका क्या है भैया 4p है। तो इसका 2d यहां से 1s और यहां से 3p, इट मींस क्या हो जाएगा, तो अब जुड़ते हुए क्या बनेगा d2sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, हम दर्शाएंगे d2sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ क्रोमियम 3। तो अब क्या देख रहे हैं 3D में आपको 3 ऑर्बिटल को ही दर्शाना है, क्योंकि 2 तो उसके साथ चला गया, अब 5 की एनर्जी सेम हो गई, 6 की, उन सब को तो एक साथ दर्शा रहे हैं, ये हमारा 1 2 3 4 और ये 5, इसमें 6 हो गया, ये हमारा कितना बचा 3 बचा है, तो ये हमारा 3, 1 2 1 3, ये हमारा 6 क्या है, तो d2sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है ना, ये हमारा 3D है। अब आइए जब हम कॉम्प्लेक्स को बनाने की बात करें तो क्या होगा, क्रोमियम अब बिल्कुल आप देख रहे हैं आपको कहीं कोई दिक्कत की बात नजर ही नहीं आ रही है कि 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, अब क्या होगा उनमें एक अमोनिया मॉलिक्यूल से एक लोन पेयर आएगा, तो 6 है तो 6 में लोन पेयर आ जाएगा, एक पेयर इलेक्ट्रॉन सब में हो जाएगा, 1 2 1 3, ये हमारा 3D वाला है, ये जो हमारा 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, 1 2 3 4, NH3 और NH3, इससे नाइट्रोजन डोनर एटम होता है, तो यहां से आप कोऑर्डिनेट कोण को दर्शा दीजिए, देखिए इनमें इलेक्ट्रॉन पेयर आ गया, बताइए कहीं कुछ लिखना था, कुछ नहीं लिखना है, सारी की सारी बातें हो गई। अब अगर इसके बारे में हम लिखें तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या लिखेंगे, d2sp3 इस ब्रैकेट में लिखेंगे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ज्योमेट्री की बात करेंगे तो क्या लिखेंगे, ऑक्टाहेड्रल
मैग्नेटिक नेचर, क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे पारा मैग्नेटिक विथ थ्री अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, विथ थ्री अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, मेरे विचार से नहीं कटना चाहिए, हम देख लेते हैं कटा भी या नहीं चाहिए क्या। तो देखिए आराम से हम लिखे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले में, यहाँ अभी हम क्रोमियम वाले कॉम्प्लेक्स को लेके देखें, क्रोमियम NH3 होल 6 3 पॉजिटिव, इसकी बात किए तो यहाँ देख रहे हैं कि क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +3 है, तो हम क्रोमियम का एटॉमिक ऑर्बिटल दर्ज है क्रोमियम +3 का, तो क्रोमियम +3 का एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होगा, क्रोमियम में होता है 3D5 4S1, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो बचेगा 3D3, ये हमारा इसमें दो वैकेंट है, एक यहाँ और तीन यहाँ, हमें 6 बॉन्ड बनना है, तो 6 वैकेंट ऑर्बिटल आपस में पहले मिक्स करेगा, 6 वैकेंट ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स करते हुए 6 नए ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन किया, इसे क्या बनेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, और यही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स क्या करता है, तो लिगेंड के डोनर एटम्स के साथ ओवरलैप करते हुए बॉन्ड का फॉर्मेशन, सारी की सारी बातें इससे क्लियर हो गई, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्या कोई दिक्कत की बात है क्या, होनी चाहिए। आइए इसी ढंग से और एग्जांपल देखते हैं, बिल्कुल इसी ढंग से बॉक्स बनाते चलना है। अब यहाँ अगर देखे कि क्रोमियम +3 में है, तब तो ऑलवेज क्या होगा, डी में 3 ही इलेक्ट्रॉन बचेगा, और डी में जब 3 इलेक्ट्रॉन है तो 2D जो होगा वो हमेशा वैकेंट ही रह जाएगा, तो आप उस केस में स्ट्रॉन्ग फील्ड रहे या वीक फील्ड रहे, कहीं पेयरिंग की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि दो वैकेंट तो पहले से ही प्रेजेंट है, लेकिन अगर डी में 8, 9 या 10 इलेक्ट्रॉन हो तो फिर पेयरिंग कराने से भी कोई काम नहीं होगा, मीन्स वहां भी पेयरिंग की बात नहीं होगी। अब जैसे देखिए दूसरे में हम आपको बता रहे हैं जहां निकेल को यूज करते हैं, जिसके डी में क्या होगा 8 इलेक्ट्रॉन है, हम दूसरा कॉम एग्जाम्पल देखना चाहते हैं Ni NH3 whole 6 2 plus, तो इसके बाद देखें यहां निकेल क्या है, हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ निकेल इन कॉम्प्लेक्स क्या है, +2 है, तो हम दर्शाते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ निकेल +2, एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ निकेल 2 आयन, तो इसमें देखिए क्या होगा, 3D में 8 होगा, 4S में 2 होगा निकेल का, तो 3D 8, 4S 2, ठीक, तो ये हमारा 4S होता जिसमें 2 होता और 3D में 8 होता, पहले रुक जाएंगे, 3D में 8, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, अब ये क्या है +2 में है, तो यहाँ का दोनों इलेक्ट्रॉन गायब हो गए, अब इसके आगे क्या होगा, तो 4P होगा, इसके आगे क्या होगा 4P होगा, लेकिन इतना से भी आपका काम नहीं चलेगा, क्योंकि आप देखिए कि यहाँ अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड भी होता है, तो पेयरिंग भी कराता, तो भैया इसको इसमें कर सकता था, एक ही डी ना खाली होगा, लेकिन इसको तो 2D चाहिए, तो ऐसा करने से कोई फायदा नहीं है, इसको आगे का डी यूज करना पड़ेगा, इट मींस क्या, फोर्थ ऑर्बिट का एस, फोर्थ का ही पी और फोर्थ का ही डी लेना पड़ेगा, तो फोर्थ में डी होगा कितना, 5 ऑर्बिटल होगा, वैलेंस तो चल रहा है चौथा,
ये हमारा क्या है 4D। अब आइए हम दर्शाएंगे हाइब्रिडाइजेशन की बात करना चाहेंगे तो अब क्या देख रहे हैं कि 6 वैकेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में क्या करेगा, मिक्स करेगा और मिक्स करते हुए 6 नया ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा जिसे हम क्या बोलेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बोलेंगे। तो अब देखिए दूसरे में हम क्या दर्शाएंगे, हाइब्रिडाइजेशन को दर्शाना चाहेंगे, हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन में देखिए क्या हो जाएगा, अब ये जो हमारा 3D में 8 है वो तो ज्यों का त्यों रह जाएगा, ये हमारा 4S है, ये 3 हमारा क्या है 4P है, ये 5 हमारा क्या है 4D। तो अब देखिए क्या होना है, 1S 3P और 2D आपस में मिक्स कर जाएगा। तो अब आप क्या दर्शाएंगे, दर्शाएंगे sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ निकेल 2 आयन। हम जब इसका दर्शाएंगे तो बताइए हम क्या दर्शाते हैं, अब ये हमारा 3d है जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, 1, 2, 3 और 4, 3 में तो पेयर्ड में है, 2 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इन सब को एक लेवल में दर्शाएं, ये हमारा क्या है sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है और 3 4d अपना क्या वो अनहाइब्रिडाइज और बचा रह गया जो का। तो अब इसमें देखिए 6 दर्शाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5 5 दर्शाए तो 6 तो हो ही गया, ये 6 वैकेंट है। अब जैसे ही हम कॉम्प्लेक्स बनाने की बात करेंगे, Ni NH3 whole 6 2 plus, जैसे अब हम इस कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे तो ये हमारा 3D था, ये हमारा 3D जो का क्यों रह जाएगा, इसमें कोई चेंज की बात नहीं होगी। ये जो हमारा 6 sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो था, अब सारा का सारा हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या करेगा, तो अमोनिया में नाइट्रोजन एटम के साथ ओवरलैप करते हुए इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा। तो यहाँ NH3, यहाँ भी NH3, 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 NH3 एंड NH3। यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5 और 6 बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। और ये 3 हमारा क्या है 4D जीवों का त्यों है, उससे बेहतर काम है। ठीक, तो बताइए सारी की सारी बातें हो गई, अब यहाँ हम हाइब्रिडाइजेशन क्या बोलेंगे, तो sp3d2 इट मीन्स क्या हो गया, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। ज्योमेट्री की बात करें तो वो क्या होगा, ऑक्टा हेड्रल हो जाएगा। मैग्नेटिक नेचर की बात करें, मैग्नेटिक नेचर की बात करें तो ये क्या होगा, पारा मैग्नेटिक ही होगा, पारा मैग्नेटिक होगा। क्यों, विथ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जल्दी से आप इसे इंडिकेट कीजिए, कदम तो नहीं रहा है।
बिल्कुल नहीं कट रहा है। गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके आगे नेक्स्ट में देखते हैं। अब अभी देखिए यहाँ क्या था, फर्स्ट में देखिए मिस हमारा क्रोमियम प्लस थ्री में था, तो उसके डी में ऑलवेज तीन इलेक्ट्रॉन होगा, मिस दो डी ऑलवेज वैकेंट रहेगा ही, तो वहां से दो डी आ गया इनर रहेगा, और मिस वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड रहेगा, वीक फील्ड ऑलवेज क्या होगा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। ठीक, आगे वो इनर वो स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड की बात में जोड़ेंगे सीएफटी में। ठीक, दूसरे में देखे कि निकेल यहाँ हमारा डी में क्या आठ हो जाता है, तो भैया अगर चार कोऑर्डिनेशन नंबर वाले की बात हो रही थी, जैसे कि आप देखे इसमें एन आई सी एन होल फोर टू माइनस वाले, तो इसमें चार ही होना था और इसके डी में आठ रहा था, तो तीन तो पेयर्ड था, दो में अनपेयर्ड था, तो क्या किया एक को पेयर्ड कर दिया, एक डी को खाली कर लिया, तो डी एस पी टू चला गया। लेकिन जब कोऑर्डिनेशन नंबर सिक्स होना है तब तो इसको दो डी ना चाहिए, अगर ऐसा कर स्ट्रोंग होता कर भी लेता तो क्या एक ही डी मिल पाता, कोई फायदा नहीं, इसलिए क्या होगा ऑलवेज आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स ही बन जाएगा। लेकिन अब देखिए जब हमारा क्या है डी फोर डी फाइव डी सिक्स है, तो उस केस में दो ढंग की पॉसिबिलिटियां होती है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। जैसे यहाँ आप ध्यान से देखें, अभी हम एक एग्जाम्पल बता रहे हैं, दो एग्जाम्पल बताएंगे, बता रहे हैं सी ओ एफ सिक्स थ्री माइनस, इसका है हेक्सा फ्लोरिडो कोबाल्टेट थ्री आयन। इसे यहाँ देखिए तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट इन कॉम्प्लेक्स क्या है तो प्लस थ्री है, आप दर्शाइए एटॉमिक ऑर्बिटल्स कोबाल्ट प्लस थ्री का, एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ कोबाल्ट, एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ कोबाल्ट थ्री आयन। कोबाल्ट के लास्ट में आप क्या जानते हैं क्या होता है, तो यहां होता है 4s2 3d7, 4s2 3d7, उस d में तो सात होता है, एक दो तीन चार, ये हमारा 4s है, ये हमारा 3d है, इसके आगे हमारा क्या होगा 4p होगा, सिमिलरली इसके आगे क्या होगा 4d होगा, एक दो तीन चार, इसमें दो इलेक्ट्रॉन कोबाल्ट का पाले हम लिख रहे हैं, देखिएगा एक दो तीन चार पांच छह सात, ये हमारा होता कोबाल्ट का, लेकिन कहता है कोबाल्ट प्लस थ्री का, यहाँ से ये दो गायब हो जाएगा और एक यहाँ से गायब हो जाएगा, इसमें क्या बच जाएगा लास्ट में तो 3d6 बचा, लास्ट में कितना हो गया है 3d6 बचा है। अब ये हाँ इसमें ऐसी पॉसिबिलिटी थी, अगर ये स्ट्रॉन्ग होता तो इन दोनों को पेयर कर देता, दो डी तो वैकेंट हो जाता, तब तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बना लेता, लेकिन फ्लोराइड आयन क्या है वीक फील्ड लिगेंड है, वो फोर्सेबल पेयरिंग वगैरह नहीं करा सकता, और जब पेयरिंग नहीं कराएगा उसे क्या करना पड़ेगा आउटर ऑर्बिटल को ही यूज करना पड़ेगा हाइब्रिडाइजेशन में, तो हम डायरेक्ट क्या लिख देते हैं
हम डायरेक्ट लिखते हैं sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ कोबाल्ट 3 आयन। तो अब देखिए ये तो ज्यों का त्यों रह गया, इसमें कहीं कोई चेंज की बात नहीं होगी। 1, 2, 3 और 1, 4 इसमें जितना 6 इलेक्ट्रॉन है बिल्कुल उसी ढंग से रह जाएगा, कहीं कोई चेंज की बात नहीं है। ये हमारा 1 4s 3 4p, जिसे समय मिलाते थे हम यहाँ डायरेक्ट एक के बाद ले लिए, यहाँ 4s 3 4p और 2 4d, 6 को 1 साथ दर्शाइए 1 2 3 4 और 5, 6 हो गया। ये 6 क्या है? sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है। ये हमारा 3d है और 3 क्या होगा? 4d बचा रहेगा। अब इसके आगे अब आप क्या करेंगे? कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर दीजिए, बस हो गया, और तो कहीं कुछ करना ही नहीं। तो अब आप क्या करेंगे? COF6 इसकी बात करते हैं। तो देखिए हम क्या दर्शाएंगे 3d में, ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन है जो का क्यों रहेगा, कोई चेंज नहीं। ये जो हमारा 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल था, अब इन सब जगह क्या आएगा? एक एक फ्लोराइड आयन आएगा, एक फ्लोराइड आयन और क्या फ्लोराइड आयन, सभी जगह से इलेक्ट्रॉन पेयर को ला रहे हैं। इस फॉर्मेशन का फॉर्मेशन हो गया, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ भी दो, यहाँ भी दो, यहाँ भी दो, यहाँ भी दो और यहाँ भी, और ये हमारा 3 क्या है? 4d वैकेंट रह गया, 3 हमारा 4d रह गया, बातें खत्म हो गई। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या बोलेंगे? sp3d2 इटमीन्स ये क्या हो गया? आउटर और वाइटल कॉम्प्लेक्स हो गया। हम बात करें ज्योमेट्री तो क्या कह सकते हैं? ऑक्टाहेड्रल और मैग्नेटिक नेचर क्या बोलिएगा? पैरामैग्नेटिक, कितना है? 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो लिखिएगा मैग्नेटिक नेचर, पैरामैग्नेटिक विथ 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स चल जल्दी से दर्शाइए, अभी 2 का कम से कम हम और बताएंगे, जल्दी जल्दी लिखिए। ओके देखिए अब इसी में अब आप देखेंगे ये कोबाल्ट वाला ही हम रख रहे हैं, ऑक्सीडेशन नंबर भी 3 ही रखेंगे, लेकिन अब देखिएगा सारी की सारी बातें ही इसके लिए चेंज हो जाएगा कि अब हम बात करते हैं यहाँ NH3 whole 6 3 plus। अभी भी देखिए एटॉमिक ऑर्बिटल यहाँ क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर कोबाल्ट का क्या है? इस कॉम्प्लेक्स में +3 ही है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? +3 ही है, तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ कोबाल्ट 3 आयन यही रह जाएगा। लेकिन अब देखिए यहाँ हमें 4d को दर्शाने की आवश्यकता नहीं है, क्यों नहीं होगी? जरा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आप क्या जान रहे हैं कि यहाँ NH3 क्या है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो ये क्या चाहेगा कि इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसे चाहेगा पेयर्ड कर देना। तो यहाँ जो हम देख रहे हैं 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अब क्या करेगा?
इस इलेक्ट्रॉन को इसमें शिफ्ट कर दे, इसको इसमें शिफ्ट कर दे, तो 2d क्या हो जाएगा, वैकेंट हो जाएगा। यहाँ से 2d मिल जाएगा, एक s मिल जाएगा, 3p मिल जाएगा, इसमें हाइब्रिडाइजेशन कैसा हो जाएगा, d2sp3 हो जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे, अब हम बोलेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड NH3 on the in the presence of a strong field ligand Mr. ammonia the unpaired electron the unpaired electrons of 3d subshell gets paired तो अब देखिए, अब आप क्या देख रहे हैं, ये जो हमारा 3D में 6 इलेक्ट्रॉन था ऐसा, इसमें 2 है, यहाँ 1 1 1 1, ये 3D था, ये हमारा क्या है, वो S है, और ये 3 हमारा क्या है, वो तो अब ये इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, इसमें आके पेयर्ड हो गया, और ये इसमें आके पेयर्ड हो गया। जैसे ऐसा हुआ कि अब देखिए कंडीशन कैसा हो जाएगा, अब हाइब्रिडाइजेशन की बात होगी, तो अब होगा हाइब्रिडाइजेशन। उस अब आप हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे तो देखिए क्या दर्शाएंगे कि ये जो 3D है इसमें जो हमारा 5 ऑर्बिटल था और 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये तो कम्प्लीटली फिल्ड हो गया, यह भी कम्प्लीटली फिल्ड हो गया, यह भी कम्प्लीटली फिल्ड हो गया, ये दो क्या हो गया, वैकेंट हो गया, ये 4s ये तो वैकेंट है ही ऑलरेडी, 4p ये भी क्या है, ऑलरेडी वैकेंट है, तो ये आपस में ओवरलैप कर जाए, लेकिन सब क्या हो जाएगा, तो हम यहां दर्शा सकते हैं कि क्या d2sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ कोबाल्ट 3 आयन। अब आप दर्शाएं तो क्या करेंगे, ऐसा दर्शाएंगे, इसमें तो 3 को ही दर्शाना है, पूरा का पूरा तीनों का तीनों तो भरा हुआ ही है, ये 6 का 6 अब एक लेवल में दर्शाएंगे, ये हमारा क्या है, d2sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है। अब बस एक लाइन और क्या करना है, तो अब आपको कॉम्प्लेक्स को बना दीजिएगा, बात खत्म, एक एक पेयर समेत इलेक्ट्रॉन ला दीजिएगा, इट मींस इसके आधार पर हम लिख सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन, क्या लिखेंगे, तो d2sp3 इट मींस ये क्या है, इनर ऑर्बिटल है, यह इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो गया। हाइब्रिडाइजेशन के बाद अगर हम देखें तो क्या लिखते हैं, ज्योमेट्री ये क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल मैग्नेटिक नेचर की बात करें तो क्या बोलेंगे, डायमैग्नेटिक, क्योंकि यहां कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि CO F6 3-
वह क्या है पारामैग्नेटिक है जबकि ये क्या है डायमैग्नेटिक है क्यों, तो हम क्या बोलेंगे COF6O3 में वहां कोबाल्ट का हाइब्रिडाइजेशन, वहां कोबाल्ट क्या कर रहा है आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बना रहा है जबकि यहाँ क्या बना रहा है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बना रहा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के कारण यहाँ इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बन रहा है इलेक्ट्रॉन के पेयरिंग हो जाने के कारण, जिसका ये कॉम्प्लेक्स डायमैग्नेटिक हो जाएगा जबकि वह क्या रहेगा पैरामैग्नेटिक है। बताइए बिल्कुल क्लियर है या नहीं है, चलिए जल्दी से आप इसे लिख लें। तो इसी ढंग से आप आराम से क्या कर सकते हैं, हम इस साइड कुछ कॉम्प्लेक्स को लिखते हैं, अब हम इतना अलग अलग करके नहीं बताते हैं, अलग अलग करके जहां बताने वाली बात होगी वहां भी आप समझ सकते हैं बना सकते हैं, हम इधर कुछ कॉम्प्लेक्स को लिखते हैं जहां आपको हम पूछते हैं उसका हाइब्रिडाइजेशन बताइए और मैग्नेटिक नेचर बताइए, हो गया। इसे हम इधर बात करते हैं कॉम्प्लेक्स, यहां हम आपसे पूछते हैं टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन और यहां मैग्नेटिक नेचर, मैग्नेटिक नेचर। सबसे फर्स्ट कॉम्प्लेक्स में जो हम लेते हैं वहां लेते हैं देखिए MnH2O4+2+, दूसरे में हम बात करते हैं FeCn6O4-, तीसरे में बात करते हैं FeCn6O3-, चौथे में हम बात करते हैं FeH2O6+3+, पांचवें में हम बात करते हैं NiH2O6+2+, बात करते हैं क्रोमियम H2O6+3+, तो अब आप देखें यहाँ हमारा क्या है मैंगनीज, ध्यान मैंगनीज क्या है प्लस टू में है, तो प्लस टू में मैंगनीज के लास्ट में क्या होता है 3D5 4S2, प्लस टू में है तो 4S का दोनों इलेक्ट्रॉन निकल गया, इसके पास क्या रह गया डी में 5 इलेक्ट्रॉन है, डी में 5 है तो एक एक इलेक्ट्रॉन पांचों में होगा। अब ये वाटर क्या है वीक फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग वेयरिंग तो कराएगा नहीं, इसको 6 बॉन्ड बनाना है तो कौन लेगा 4s 4p और 4d, इतने से क्या हो जाएगा तो sp3 d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हो जाएगा, इतने से कैसा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो जाएगा और नेचर क्या होगा पैरामैग्नेटिक होगा विथ 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्योंकि डी में जो 5 इलेक्ट्रॉन है पांचों का पांचों तो क्या होगा अनपेयर्ड ही होगा। अब यहाँ देखिए Fe क्या है, तो यहाँ हमारा Fe क्या है प्लस 2 में है, जब Fe की बात करें तो लास्ट में क्या होता है भैया ध्यान दीजिएगा यहाँ 4s2 3d6 होता है,
या फिर प्लस टू में है तब तो 4s का दोनों इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब ये 3d में 6 इलेक्ट्रॉन रहा, तो 6 इलेक्ट्रॉन कैसे होगा? अब क्या जान रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 1, 6। तो अभी तो आप देख रहे हैं कि इसके पास d जो है ये 4 क्या है, अनपेयर्ड है, इसमें तो 2 इलेक्ट्रॉन है ही। तो 6 बॉन्ड बनाना है तो आप सोचेगा कि आगे वाला यूज करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं करेगा क्योंकि CN क्या है, स्ट्रॉन्ग फिर लिगेंड है, ये फोर्सेबल पेयरिंग करने की बात करेगा। इसको यहाँ ला देगा, इसको यहाँ ला देगा, इस क्या हो जाएगा, ये यहाँ आ गया और ये यहाँ आ गया, तो दो 3D तो खाली हो गया। ठीक, अब एक 4s हो जाएगा और तीन क्या हो जाएगा, 4p हो जाएगा। इटमीन्स यहाँ हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, तो d2sp3 हो जाएगा, यह हमारा इनर और वाइटल कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, हो जाएगा। और जरा नीचे देखिए तो अब कोई अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसका हो गया डाया मैग्नेटिक। अब आइए इसमें चलते हैं, अब देखें Fe CN होल 6 3 माइनस में से, यहाँ Fe क्या है, प्लस 3 में है, जब Fe प्लस 3 में है तो लास्ट में क्या होगा, 3d5 होगा। जब 3d5 है तो क्या सोच रहे हैं कि एक एक इलेक्ट्रॉन सब में होगा, 1, 2, 3, 4, 5, लेकिन CN क्या जान रहा है, ये तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ये तो फोर्सेबल पेयरिंग शुरू करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पेयर कर देगा, इसे क्या करेगा, यहाँ पेयर कर देगा, मीन्स एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन बचा रहा है। तो यहाँ भी क्या होगा, d2sp3 ही होगा, मिस इनर और वाइटल ही होगा, लेकिन ये पारा मैग्नेटिक होगा, जहाँ एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा। देखिए कितनी आसानी से डिसाइड करते चले जा रहे हैं। और आगे तो अब CFT के बाद तो ये और भी कुछ नहीं रहेगा, CFT के बाद तो और भी कुछ नहीं रहेगा, आप तुरंत देख के बता दीजिएगा। आइए इसमें देखें Fe, यहाँ हमारा क्या है, Fe प्लस 3 में है, 3d5 होगा, तो D में एक एक इलेक्ट्रॉन पांचों में होगा, लेकिन ये वाटर क्या है, वीक फील्ड लिगेंड है, तो पेयरिंग तो कराएगा नहीं, कि ये 4s, 4p और 4d को यूज करेगा, मिस क्या हो जाएगा, sp3d2 आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, और ये पैरामैग्नेटिक होगा, जहाँ कितना, तो 5 अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा। आइए निकेल वाले की बात करें, यहाँ लास्ट में हो रहा है 3d8, हम क्या बताएं कि जब d में 3 हो या d में 3 तक हो या फिर d में 8, 9, 10 हो जाए, तो d में जब 1, 2, 3 होता है तो ऑलवेज इनर ऑर्बिटल ही बनता है, d में जब 8, 9, 10 होता है ऑलवेज क्या, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में चला जाता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जब d में 8 है तो अब क्या होगा, एक 4s, 3 4p और 2 4d, इट मींस ये यूज करेगा sp3d2 आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स यूज होगा। d में 8 इलेक्ट्रॉन है, जब d में 8 इलेक्ट्रॉन है तो अनपेयर्ड कितना हो जाएगा, 2 अनपेयर्ड हो जाएगा, इसलिए पैरामैग्नेटिक होगा विद 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। इसमें चलें क्रोमियम वाले की बात करते हैं, क्रोमियम प्लस 3 में है, इट मींस लास्ट में क्या होगा, D में 3 होगा, और D में जब 3 है तो 2D तो ऑटोमेटिक ही वैकेंट है, 2D वहां से आ जाएगा, एक 4s हो जाएगा और 3 क्या, 4p हो जाएगा। इट मींस क्या हो जाएगा, तो d2sp3 हो जाएगा, ये हमारा इनर ऑर्बिटल हो गया, ये हमारा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो गया, पैरामैग्नेटिक ही होगा, और कितना, तो 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन, 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स। ये सारी की सारी बातें जो थी वो वीवीटी का कंसेप्ट है, और जितना भी क्वेश्चन आप देखे ये सारा का सारा क्वेश्चन फिर से आपके इंटेक्स का सब क्वेश्चन लगभग हो गया। देखिए 11 तक क्वेश्चन है और 10 तक का क्वेश्चन हो गया, कल हम आपको 5-6 बताए थे, अब देखिए 7वें में यही कहता है कि Fe H2O होल 6 3+ इज ए स्ट्रॉन्गली पैरामैग्नेटिक, जबकि FeCN होल 6 3- इज वीकली पैरामैग्नेटिक। बिल्कुल यहाँ क्या होगा, और
ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है 1 एम्पियर इलेक्ट्रॉन होगा, जबकि आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है 5 एम्पियर इलेक्ट्रॉन है। यहाँ 5 है ये स्ट्रॉन्गली पैरामैग्नेटिक है, और यहाँ 1 एम्पियर है इसके क्या है ये वीकली पैरामैग्नेटिक है। अब आगे कहता है कि एक्सप्लेन CO NH3 होल 6 3 प्लस इज एन इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स वेयर एट Ni NH3 होल 6 2 प्लस इज एन आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। दोनों बताएं, दोनों का दोनों बता दिए हैं। फिर उसके बाद आपको हेक्सा एक्को मैग्नीज आयन इसमें बताना था कि 5 एम्पियर इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, जबकि हेक्सा साइनो एनाइंस ठीक, अगर हम हेक्सा साइनो एनाइंस इसमें चले जाते हैं ठीक मैग्नीज वाले को ही लेते हुए, वहां देखते हैं कि क्या है कि 1 ही एम्पियर इलेक्ट्रॉन है बिल्कुल, तो वहां क्या होगा डी में 5 रहेगा और स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो क्या करेगा पेयरिंग करेगा 1 एम्पियर को छोड़ेगा, जबकि ये वीक फील्ड है पेयर नहीं करेगा, 5 का 5 एम्पियर इलेक्ट्रॉन रह जाएगा। ये जितनी भी बातें हम लोग पढ़े ये सारी की सारी बातें वीवीटी, हाँ वीवीटी का ये डिफेक्ट है कि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड नहीं बता पाया, कलर को नहीं बता पाएगा, ये रिलेटिव स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, बहुत सारी बातें जो कि सीएफटी के द्वारा दूर हो जाता है। तो हमारा अब इसके आगे लास्ट थ्योरी हमारा जो था, हम 3 थ्योरी की बात किए थे, फर्स्ट में था वर्नर्स थ्योरी, सेकंड हमारा था वीवीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, और लास्ट थ्योरी है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी सीएफटी। और अब तो आपका चैप्टर समाप्ति की ओर जा रहा है भैया, कहीं कोई दिक्कत नहीं हो, चलिए इसके आई की बात नेक्स्ट क्लास में करते हैं। धन्यवाद।